स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोनिका पपने। तो आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। कुलटी थाना के अंतर्गत हिल कॉलोनी इलाके में ECL कर्मी के घर में चोरी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार रामनगर कलियोरी में कार्यरत हिल कॉलोनी निवासी राधा रमन के घर में सोमवार देर रात चोरों ने धावा बोलते हुए 8 से 10 लाख रुपए के सोने गहने के साथ ही साथ 10 से 12 हजार रुपए नकदी भी उड़ाकर ले गए। राधा रमन ने बताया कि प्रतिदिन की तरह सोमवार के दिन भी मैं भी शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद शाम को घर गया था। राधा रमन ने आगे बताया कि रात को खाना खाने के बाद मैं सो गया था और अगली सुबह मंगलवार को जब उठा तो घर के अंदर बिखरे पड़े सामान को देखकर मुझे अंदेशा हुआ कि घर में कुछ गड़बड़ घटित हुई है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या घटना घटा था? कल रात को हम सेकंड शिफ्ट से ड्यूटी करके आए, उसके बाद हम लोग नॉर्मली खाना वाना खा के 11:30 में सो गए। उसके बाद पता नहीं चला, रात को बादल बहुत गरज रहा था। सुबह में जब हम लोग 6 बजे बच्चा लोग उठाए स्कूल जाने के लिए तो ये दरवाज़ा अंदर से बंद मिला, तो सोचा बरसात में दरवाज़ा जाम हो गया, नहीं खुल रहा है, वो अंदर से लॉक कर दिया था इसको। फिर हम लोग उधर से जाके बाहर जाके देखे तो पता चला कि वो ग्रिल तोड़ दिया है, खिड़की का पल्ला तोड़ के, अलमीरा तोड़ के, अलमीरा का लॉकर तोड़ के सारा कुछ ज्वेलरी और कैश लेके चला गया। कितना ज्वेलरी था? 8 से 10 लाख रुपए का करीब ज्वेलरी था। कैश 10-12 लाख हज़ार का कैश था, कैश ज़्यादा नहीं था। रात को पुलिस का पहरा देता है इधर? हाँ, कभी कभी तो आता है, वो मेन रोड से आता है, अंदर तो नहीं आता, मेन रोड से जाता है। कितना भयभीत है इस घटना के बाद? बहुत भयभीत है यहाँ का तो लोकल पब्लिक को, पहले भी इसे बहुत बार घटना हुआ है, कोई प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है, हम लोग बहुत भयभीत महसूस कर रहे हैं यहाँ। सरोवर नगरी नैनीताल में झमाझम बारिश में सैलानियों को दुगुना खुश कर दिया है। नगरी में दोपहर बाद तेज बारिश ने जहां तापमान को नीचे गिरा दिया तो वहीं गर्म इलाकों से नैनीताल घूमने आए सैलानियों को गर्मियों से निजात मिल रही है। 2 घंटे चली इस बारिश में शहर भर के छोटे और बड़े नाले उफान से दिख रहे हैं। इस बारिश से गिरता नैनी झील के जल स्तर को भी फायदा हुआ है। शहर के कल्याणपुर हाउसिंग स्थित अनन्या कॉम्प्लेक्स में बनाए गए रिजर्व का उद्घाटन सोमवार को निगम के MIC के पूर्ण राशि राय ने फीता काटकर किया। कॉम्प्लेक्स में पेयजल की किल्लत काफी दिनों से थी, जिसे देखते हुए यहां के रहने वाले लोगों ने निगम में गुहार लगाई थी, जिसके चलते निगम द्वारा 25 लाख रुपए का खर्च समस्या समाधान करने के लिए बताया था। योग दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर निकलकर योग के लिए अलग जगाई। जुलूस के दौरान कई जगह मानव श्रृंखला बनाकर करो योग रहो निरोग के नारे भी लगाए। योग दिवस पर शहर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर पुलिस को अलर्ट किया गया है। जिन जगहों पर भी योग कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखने को लेकर संबंधित कोतवाली प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को लखनऊ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। PM मोदी यहां भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के अलावा कुछ अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। सेल्फी लेने की होड़ से होने वाली मौतों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खुद को कैमरे में कैद करने की होड़ के कारण कई लोग जान गंवा चुके हैं। देश और दुनिया में सेल्फी के चक्कर में कई लोग अलग अलग तरह के हादसों का शिकार हो रहे हैं। पिछले साल पर्यटन मंत्रालय ने भी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमाश जारी कर अपने यहाँ के खतरनाक सेल्फी स्पॉट की पहचान करने को कहा था। इसी के मद्देनजर UP के मुरादाबाद में कई जगहों को नो सेल्फी जोन घोषित किया गया। जिला प्रशासन ने मुरादाबाद में हाईवे, रेलवे ट्रैक, बस स्टैंड और ऊंची इमारतों के पास सेल्फी लेने पर रोक लगा दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण यात्रियों की संख्या घटने पर श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने केदार धाम के दर्शन समय बदल दिया है। अब यात्री सुबह 5 बजे के बजाय 6 बजे से दर्शन करेंगे, जबकि अन्य विशेष पूजाएं अपने नियत समय पर ही चलेंगी। देर शाम धामवाला में मस्जिद की दीवार तोड़े जाने के बाद 2 पक्षों में विवाद शुरू हो गया। इस मसले को सुलझाने के पुलिस के भी पसीने छूट गए। हालात इतने बिगड़े कि क्षेत्र में कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ PSC तक तैनात करनी पड़ी। सिटी मजिस्ट्रेट SSC मलतोलिया और ASP सिटी ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। NDA के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद का हरिद्वार से पुराना नाता रहा है। कोविंद हरिद्वार स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के आजीवन संरक्षक भी हैं। उनकी पत्नी सविता समाज सेवी है और मिशन की ओर से संचालित विद्यालय के एक बालक का सालाना खर्चा भी उठाती है।
नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हरदेश का कहना है कि सरकार चला रहे मंत्रियों को छोटे बोल शोभा नहीं देते, गंभीर मामलों को सरकार को संजीदगी से लेना चाहिए। महानगर कांग्रेस कमेटी के और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर के बाद पत्रकारों के सवाल पर डॉक्टर इंदिरा ने कहा कि पिथौरागढ़ जिले में किसान ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की थी। राज्य आपदा प्रबंध और न्यूनकरण केंद्र के अनुसार कहीं से भी किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। इससे पहले 7 अप्रैल को रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली और पौड़ी जनपदों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसका केंद्र रुद्रप्रयाग के उठी मठ में था। वहीं 10 अप्रैल को भी उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अलविदा, मेरा शरीर हरिद्वार से गंगा से निकाल लेना। दिल्ली विद्युत बोर्ड के उप निदेशक की पत्नी व्हाट्सएप पर यह संदेश डाल संगीत परिस्थितियों में लापता हो गई। दिल्ली पुलिस की सूचना पर उत्तराखंड पुलिस दिन भर महिला की तलाश करती रही। हालांकि सोमवार रात देर शाम महिला परिजन के पास दिल्ली पहुंच गई थी। पर्यटन विभाग देश दुनिया से आने वाली महिला यात्रियों की सहूलियत के लिए हरिद्वार के 10 गंगा घाटों पर प्री कैबिनेट चेंजिंग रूम का निर्माण कराएगा। इसके अलावा पर्यटकों और यात्रियों की सुविधा के लिए पर्यटन कार्यालय में रैन बसेरे का निर्माण भी किया जा रहा है। राजभवन में आयोजित गवर्नेंस अवार्ड समारोह में राज्यपाल डॉ. कृष्णकांत पाल ने उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित किया। साथ ही संस्कृत विद्यालय के टॉपरों को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा अच्छा परिणाम देने वाले विद्यालय भी सम्मानित हुए। पहाड़ की सबसे बड़ी पीड़ा है प्यालन। रोजगार की तलाश में निकलने लोगों ने एक बार गाँव छोड़ा तो लौटकर नहीं आए। नतीजा, उत्तराखंड के 3 लाख घरों में ताले लग गए। पौड़ी जिले के द्वारिखाल ब्लॉक के गुइन गांव में इन्हीं में से एक था, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। महिलाओं ने घर पर अचार और चटनी बनाकर छोटा सा कारोबार शुरू किया तो इसकी महक हरिद्वार और देहरादून तक फैल गई। मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले में चारधाम, बुग्याल और ऋषिकेश की झलक दिखाई देगी। फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड अनुकृति गुसाई ने उत्तराखंड के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए यह वीडियो बनाया है। 25 जून को मुंबई में होने वाले ग्रैंड फिनाले के दिन यह वीडियो दिखाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सुबह देवभूमि का नजारा देखने लायक था। समूचे पहाड़ से लेकर मैदान तक उत्तराखंड की धरती योगमय हो गई। शहरों, कस्बों और गांव तक योग शिविर आयोजित किए गए जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता के साथ रमाबाई मैदान में योग खत्म कर लिया। अब वो कुछ देर में ही लखनऊ स्थित अमौसी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी ने करीब 45 मिनट तक योगाभ्यास किया। इस दौरान पीएम ने 25 आसन किए। पीएम मोदी के अलावा राज्यपाल राम नायक, सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव मौर्य भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रधानमंत्री के सम्मान में दिए गए रात्रि भोज में पीएम मोदी ने मुलायम सिंह का जोरदार स्वागत किया। मोदी ने मुलायम को खाने की टेबल पर अपने पास बुलाकर बैठाया और साथ में भोजन किया। इस दौरान मोदी कई अन्य टेबलों पर गए और लोगों के हालचाल लिए। खाने के बाद सीएम योगी मुलायम सिंह को गाड़ी तक छोड़ने भी गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।